नमस्कार दोस्तों, फिर आज रहे नई जानकारी साथ। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जेई मेंस 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। बच्चे परेशान हैं, एनटीए ने अच्छा नहीं किया। दोस्तों, एनटीए को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो गलतियां हुई हैं उस पर अगर संशोधन हो जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन दोस्तों, जो भी जानकारी होगी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, यहाँ बात आती है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि कितनी रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमें एनआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बस आप लोग पेशेंस रखिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ले चलते हैं एक ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है, और यहीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक एंड सीट अलॉटमेंट स्टैटिक्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीजें। देखिए, फर्स्ट राउंड है ये, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, सेवंथ राउंड। पहले आप फर्स्ट राउंड के लिए चेक करिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। तो दोस्तों देखिए, पीडीएफ फाइल आपके सामने आ गई, और यहाँ पे कॉलेज दिए हुए हैं, और रैंक दी हुई है, कैटेगरी दिया हुआ है, कोटा दिया हुआ है, और तो दोस्तों देख सकते हैं, और ब्रांच दिया हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं, कोटा यहाँ पे AL लिखा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, HS, AL और OS ये कोटा के कैटेगरी हैं। दोस्तों HS का मतलब होता है होम स्टेट, यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में आपको कॉलेज चाहिए, तो HS अप्लाई कर सकते हैं, इसका फायदा मिलेगा आपको। और दोस्तों OS का मतलब होता है अदर स्टेट, किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो OS अप्लाई कर सकते हैं। AL का मतलब ऑल इंडिया, पूरे भारत में कहीं भी। तो दोस्तों देख सकते हैं, कोटा AL है, जनरल कैटेगरी है और फीमेल ओनली। और ओपनिंग रैंक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1078 से, क्लोजिंग रैंक है 1789। तो दोस्तों इन्हीं के बीच अगर आपकी रैंक बिलोंग करती है तो आपको ये आईटी मिल जाएगा, जहां से आपको सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलेगा, और ये आईटी भुवनेश्वर की है, तो ये मिल जाएगी आपको। आप देख लीजिए, इसके हिसाब से आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। आप एनआईटी वगैरह चेक कर सकते हैं, नीचे आप आएंगे तो एनआईटी मिलेगा, अभी आईटी है ये। तो दोस्तों इस तरह आप चेक कर लीजिएगा, और हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों 2018 का है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2019 में इन्हीं के बीच रैंक आएगी, तो हमें कॉलेज मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर कोई और प्रश्न होता है आपके मन में तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए ही तक, आगे फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।